चाहत हुई तेरे नाम। भाभी कबाब खा के तो मजा आ गया। जी फरीद भाई, मैंने एक दिन आपके घर में देखा था कि हीरा कबाब बना के लाई थी और आपने बहुत मजे से खाए थे। कबाब तो खा गया। ये आपकी पसंद की डिश है और मैं आपके हाथ से खाऊंगी। अच्छा ये बात है तो लीजिए जनाब। फरीद फरीद क्या हुआ, कहाँ खो गए? नहीं कुछ नहीं। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें हीरा भाभी याद आ गई थी? मेरी खाला है इतनी अच्छी कि उन्हें हर कोई याद करता है, मैं भी उन्हें बहुत याद कर रही हूँ। भाभी अलीजे ने आपको सारा दिन तंग तो नहीं किया? अरे नहीं भाई, अलीजे तो इतनी प्यारी बच्ची है कि तंग कहाँ करती है। हाँ इसकी जगह आर्यन होता तो मुझे पता चलता। वैसे कब आता है आर्यन हॉस्टल से? हर वीकेंड पर आ जाता है आर्यन। हैं? वो हर वीकेंड पर आते हैं। बाबा हम भी इस वीकेंड पर आएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, आर्यन भी होगा यहाँ पे, आप उसके साथ भी खेलना। अब जल्दी जल्दी खाना खाओ, घर चलें। ठीक है। अरे लो ना और तो लो, कबाब उठाओ। तुम तैयार हो जाओ, मैं बारिश को देख लूं। बस एक मिनट मैं भी आ रही हूँ। I'm ready. कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह बहुत अच्छी। तो ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं। इतनी अच्छी मत लगा करो ना। अच्छी मैं नहीं लगती, तुम्हारी आंखों का प्यार है। इसी तरह अच्छी लगा करो और हमेशा मुस्कुराती रहना। एक बात कहूँ? धोखा हमेशा मेरे हाथों को यूं ही थामे रखना। यार तो मैंने कब से थामे रखे, कोई नई बात है। चलो मैं आ रही हूँ। बस चलो आ जाओ। ओके आंटी। आप कितनी अच्छी है ना, बाबा को बोले ना वो मुझे रमेश आंटी के पास ना लेकर जाए। बेटा आपके बाबा जो सही समझेंगे वो ही करेंगे ना। लेकिन रमेश आंटी से मुझे डर लगता है, वो अच्छी नहीं है। अच्छा अभी आप उनके साथ जाओ, फिर हम आपके बाबा को समझाएंगे। ठीक है? ठीक। सोचा सोचा। ये कब सोए साहब जी? बस अभी फीडर पी के सोए हैं वारिस बाबा। पता नहीं किस किस्म की औरत है, किस किस्म की माँ है, कोई एहसास जिम्मेदारी नहीं है उसको। फोन आया रखा कोई? नहीं साहब जी फोन नहीं आया, मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे। हाँ उसको अलीजे जो मिल गई, सारा ध्यान उसी में लगा रहता है उसका, कोई एहसास ही नहीं है इसका। उसमें मामा ने उसको खुद ही छूट दे रखी। तुम किसे फोन कर रही हो? हीरा को। कोई जरूरत नहीं। लेकिन अशर इसमें हर्जी क्या है? देखो वो बच्ची नहीं है, माँ है इसकी। अगर उसमें एहसास की जिम्मेदारी नहीं है तो हम क्या कर सकते? और उसे क्या लगता है कि मैं सारा दिन ऑफिस में होता हूँ, घर पे क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। नहीं अशर जरूर कोई वजह होगी, वरना हीरा बिल्कुल ऐसी नहीं है कि इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। देखो जो भी वजह है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसकी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज करूं। जिंदगी है मेरी और ये बात तुम भी काल खोल के सुन लो। अच्छा ठीक है तुम परेशान मत हो, हम अपने बेटे को साथ लेके चलते हैं। लाओ। अब नहीं नहीं जोया बीबी, बाबा को मेरे पास छोड़ जाएं, ये अगर उठ जाएंगे तो फिर आपको तंग करेंगे, शॉपिंग करते हुए आप कैसे संभालेंगे इन्हें। अच्छा अशर तुम बताओ क्या करना है। नूरी मामा कहाँ है? वो जी अपने कमरे में सो रही हैं, उनके सर में दर्द था ना तो वो सो गई हैं, और वो मुझे कहकर सोई हैं कि मैं वारिस पापा का ख्याल रखूं जब तक बीबी जी ना आ जाए। ठीक है उन्हें बता देना कि मैं जा रहा हूं। जी चल। नूरी ख्याल रखना वारिस का, ठीक है? जी।
यार फरीद, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुझे आखिर प्रॉब्लम क्या है। यार मेरे सास ससुर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी बीवी, ठीक है उनकी बेटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन इस सब में उन बड़ों का क्या कसूर है? कसूर है, बल्कि सिर्फ उन्हीं का कसूर है। उन्होंने अपनी बेटी को रिश्तों की पहचान ही नहीं सिखाई। वो सिर्फ रिश्तों को पैरों के नीचे रोंदना जानती है और कुछ नहीं। अच्छा तो चल तू सिखा देना रिश्तों की पहचान, मगर प्यार से। प्यार से, प्यार, मोहब्बत, वफा, ये सब लफ्ज उसके लिए बेमानी है, वो नहीं समझ सकती। और जो इन लफ्जों से वाकिफ थी, तूने उसको तलाक के 3 नए लफ्जों से आशना करवा दिया था। तू बार बार क्यों मेरे जख्म को रेतता है? जो हो गया वो हो गया, अब उसको याद करके क्या फायदा? और मैं अपनी गलती मान चुका हूँ, उसकी माफी मांग चुका हूँ। यार मेरी मान तो तुम अलीजे को हीरा के पास वापस छोड़ दे। पापा मैं तैयार हूँ। बल्कि तू एक काम कर यार, तू ऐसा करके इसको यहीं रहने दे हमारे पास। क्यों अनिला, तुम क्या कहती हो इस बारे में? मुझे तो कोई इतराज नहीं, बल्कि अलीजे की भी यही ख्वाहिश है। आपकी बात ठीक है भाभी, लेकिन अलीजे को मैं वहीं रखूंगा जहां पर मैं रहूंगा। ठीक है फरीद भाई, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि अलीजे जब भी कहेगी उसे आपको हमारे पास लाना होगा। आपका जो हुक्म अभी, और कुछ? बस इतना काफी है। थैंक यू आंटी। वेलकम बेटा, यू आर सो स्वीट। अच्छा यार मैं चलता हूँ फिर। चले बेटा आ जाओ, ठीक है, होती है मुलाकात, हाफिज। आ जाओ बेटा, चलो शाबाश। अनिला, तुम्हें क्या लगता है रमशा के इस रवैये के साथ क्या अलीजे फरीद के साथ ज्यादा अरसा रह सकेगी? मुझे नहीं लगता, बल्कि हमें अलीजे के सिलसिले में फरीद भाई की हेल्प करनी चाहिए। चाचा अब और कितने पांव दुखा हुए हैं, पता नहीं तेरी लाली किथे रह रहे हैं। मारी लाली बहुत बड़े घर में रह रहे हैं, रे वो किधरे किधरे हो गए हैं। चाचा यहाँ तो पत्नी कितने बड़े बड़े घर हैं, हम तेरी लाली को कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। रे मैं मारी लाली वास्ते सारी दुनिया की खाक छोड़ू, वो को लबू। चाचा सुबह से चल चल के मारे और थारे पांव भी दुख चुके हैं। तलवार तू चला जा तू, मैं मारी लाली को कल्ला ही लपू, जा तू। ना चाचा मैंने तुझे छोड़ के ना जाऊं। लाली, ओ मारी लाली, ओए तू किधर छुप गई लाली, लाली। बैठ जा चाचा, बैठ जा चाचा। अरे मारी लाली किधर गई, तू चला जा, मैं हूँ कल्ला ही लबूंगू मैं। ना चाचा मैं तेनी छोड़ के ना जा, ना जावे हूं। क्या सोच रहे? मैंने बच्चों को क्यों बताया कि मेरी जॉब छूट गई है? क्यों, मैंने कुछ झूठ बोला है? मेरी जॉब से बच्चों का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है ना, कल का वो खर्चा मांगेंगे तो क्या जवाब दोगे? के लिए सोनिया मेरे को परेशान ना करो, मैं पहले परेशान हूँ।
चल चाचा अगली गली में चलते हैं, शायद तेरी लाली का कुछ पता चल जावे। वारिस की शॉपिंग तो हमने कर ली, अब मैं तुम्हारे लिए सूट खरीदूंगी। मैं तो आज तुम्हारी शॉपिंग के लिए आया था। नूरी, जी बेगम साहबा, एक गिलास पानी लेके आओ मेरे लिए। जी मैं लाती। घर में इतना सन्नाटा है, अशर और जोया कहाँ गए? बेगम साहबा वो दोनों शॉपिंग पे गए हैं। अच्छा मुझे बताया ही नहीं। वो आप सो रही थी ना तो मुझे बता के चले गए। अच्छा ठीक है, उसे मुझे दो। जब वो घर आए तो उन्होंने आपको बहुत बेइज्जत किया। हमने ऐसी तरबियत तो नहीं की थी अपनी बेटी की। आपको उसे समझाना पड़ेगा शकील। कुछ भी करें अपनी बेटी को बदलने की कोशिश करें। हाँ नहीं बिल्कुल ऐसा ही करेंगे हम। अगर वो नहीं बदली तो फरीद अलीजे को यहाँ से लेकर चला जाएगा। रमशा ने उन लोगों के साथ बहुत गलत बिहेव किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब फरीद आए तो आप उस पर गुस्सा मत कीजिएगा। क्या आप क्या कह रही हैं? मैं उसे पूछूंगा तो सही। क्या अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। आओ अलीजे। अलीजे बेटा कहाँ चली गई थी? हम बहसार अंकल के घर गए थे। फरीद बेटा बताकर तो जाते कि अलीजे को साथ लेकर जा रहे हो। तमशा को पता तो था, और वैसे भी अलीजे यहाँ घर पर है या बाहर हो किसी को क्या फर्क पड़ता है? देखिए इससे फर्क पड़ता है कि तुम्हें मीटिंग अधूरी छोड़ के नहीं आना चाहिए था। जी एक्चुअली मेरा सारा ध्यान अलीजे की तरफ था, इसलिए मैं फोन घर पे भूल गया, वरना आपको जरूर इन्फॉर्म कर देता। पता है अलीजे की खाला और नानो आए थे। क्या नानो खाला आई थी? बाबा ही कितना बुरा हुआ ना, हम घर पर नहीं थे। हिरा आई थी? क्या कह रही थी? वो अपने बेटे के अकीके का कार्ड लेकर आई थी। अच्छा कहाँ है कार्ड? तुम्हारे कमरे में है बेटा। खाना खाओगे बेटा? नहीं मैं खाना बैसात के साथ खा कर आया। चलो चाय बनवा लेते हैं। नहीं चाय पी हम लोगों ने। अच्छा आप लोग बैठे, मैं जरा अलीजे आओ सोने का टाइम हो गया आपके, स्कूल जाना है। कमान कमान कमान। शाबाश वेरी गुड। खुद ध्यान न दो तो कोई ध्यान ही नहीं देता, सारे पौधों का सत्यानाश हो गया। नूरी, ए नूरी, नूरी। जी जी बेगम साहबा।
ये क्या हाल हो गया है पौधों का, पानी नहीं देती हो क्या? अरे इनको पानी दे दिया करो, सवाब मिलता है। बेगम साहब, मैं सात दिन घर संभालूं या लॉन या गुल खान से कह देना, वो देखे सात दिन या कुर्सी पे बैठ के गाने गाता रहता है। ए गुल खान, इधर आ। जी बेगम साहबा। इनूरी क्या कह रही है, तुम सारा दिन कुर्सी पे बैठ के सिर्फ झूलते रहते हो? नूरे को छोड़ो बेगम साहबा, इसको क्या पता है, हम दिन में कितने दफा उठक बैठक करती रहती है गेट खोलने के लिए। इसको करना पड़े तो फिर इसको पता चले। अच्छा, और तुम्हें घर का काम करना पड़े ना तो तुम्हें पता चले। अच्छा बस बहस बंद करो, देखो आज से ये तुम्हारी ड्यूटी है, इन पौधों का ख्याल रखना, इन्हें पानी देना तुम्हारा काम है, समझ गए? ठीक है बेगम साहब, हम यहाँ से इसको पानी देंगे। चलो। फरीद के आसार मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। और सबके जिम्मेदार खुद रमशा है, तो आप समझाएं ना उसे। एक माँ ही अपनी बेटी को समझा सकती है कि उसकी बेटी अच्छी बीवी कैसे बन सकती। हम दोनों के लाड और प्यार ने उसे इस कदर बिगाड़ दिया है कि वो कुछ समझने को ही तैयार नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी। ठीक, मैं भी उसे समझाऊंगा। बीबी शुक्र है आप आ गई। क्या बात है नूरी, सब खैर तो है? परेशान लग रही हो। हाँ जी सब खैर है, वो ना अशर साहब बहुत गुस्से में थे। क्यों अशर क्यों गुस्से में? उन्होंने ना वारिस बाबा को रोते हुए देख लिया था। जरूर जोया ने कान भरे होंगे। नहीं नहीं, जोया बीबी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो तो कह रही थी कि हो सकता है कोई जरूरी काम पड़ गया इसलिए लेट हो गई। और अशर कहाँ है? वो तो जी सोया बीबी को शॉपिंग कराने लेके गए। शॉपिंग के लिए गए? और वारिस? वो अंदर कमरे में सो रहे हैं। अच्छा तुम जाओ, मैं देखती हूँ। जी क्या हुआ, किसका फोन था? मेरा। तो काट क्यों दिया? उसका फोन रिसीव करने के लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए मुझे। ओके आई एम सॉरी, माफ कर। अच्छा तुम फिर सवाल पूछो। हाँ पूछो। तुमने मेरे लिए साड़ी क्यों चूज की? इसलिए कि साड़ी तुमको बहुत सूट करती है, तुम बहुत प्यारी लगती हो साड़ी में, मुझे तो लगता है कि साड़ी बनाई तुम्हारे लिए गई है। बस 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 बस। क्यों, क्या कह दिया मैंने? मैं कंफ्यूज हो गई थी कि तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या साड़ी की, और ये शायरी कब से शुरू कर दी तुमने? एक्चुअली मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, रही बात शायरी की, वो तो तुम्हें मालूम है कि मैंने स्टूडेंट लाइफ में तुम्हारे लिए बहुत की, याद है? मुझे सब याद है, तुम्हारे साथ गुजारा अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा याद है मुझे। चलो पहला शेर सुनाओ, क्या कहता हूँ? सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे भूख लगी है। हेलो। हेलो तैमूर साहब, सलमान साहब मेरी कॉल नहीं उठा रहे, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। जी सफदर साहब। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था कि कोई बात बनी। कैसी बात सफदर साहब? मैंने सोचा है कि शायद शकील साहब अपने फैसले को बदल दें। जी नहीं, उन्होंने आपको निकालने में कोई जल्दी नहीं की, बल्कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही आपके खिलाफ फैसला किया, और अब इसे तब्दील करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तैमूर साहब मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, घर के खर्चे तो अपनी जगह बरकरार है ना। आप सही कह रहे हैं, मगर ये आपको उस वक्त सोचना चाहिए था जब आप अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह निभा नहीं रहे थे। सर मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, आप ही कुछ करें ताकि मैं जॉब पे वापस आ जाऊँ। सफदर साहब आप तो जानते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये सारे फैसले शकील साहब करते हैं। हाँ अलबत्ता एक काम हो सकता है। वो क्या? आप फरीद साहब से बात करें, हो सकता है वो आपकी कुछ मदद कर दें। अच्छा चले मैं फरीद साहब से बात करता हूँ। चलो ठीक, ओके अल्लाह हाफिज़।
कर रही हो गुड़िया? बाबा देखिए कार्ड कितना प्यारा है ना। कार्ड तो वाकई बहुत अच्छा है। फरीद वैसे कितना अच्छा हो गया ना, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ गई है, एक और काम करें। अब क्या रह गया? फरीद मैं ये सोच रही हूँ कि जो अपना घर खाली रखा हुआ है उसको क्यों ना हम किराए पे दे दें और पैसे मिला के इस घर का किराया भरते जाएं, इस तरह बोझ भी नहीं होगा। ये ठीक रहेगा। मम्मा भी डॉल चाहिए। डॉल चाहिए? एक काम करते हैं, आपकी सालगिरह आ रही है ना, फिर आप जो बोलेंगी मम्मा लेकर देगी। ये क्या सालगिरह की प्लानिंग चल रही है माँ बेटी में? फरीद मुझे ऐसा लगता है हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे हालात जो ठीक हुए हैं वो अलीजा की वजह से हुए हैं, तो इसकी सालगिरह जरा धूमधाम से करें। बाबा 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 खाला को फोन करें ना। हाँ खाला को फोन करते हैं। ओह मेरा फोन तो रमशा के कमरे में, मैं अभी लेकर आता हूँ। पापा रुक जाए, उनके कमरे में मत जाए, वो बहुत लड़ेंगी। अरे नहीं मेरी जान, कुछ नहीं होगा, मैं दो मिनट में फोन लेकर आता हूँ, आप यहीं बैठो। ठीक है हेलो कैसी हो कमल बेटा? आई एम फाइन, आप कैसी हैं मम्मा? इतने दिन हो गए आपने फोन ही नहीं किया, इसलिए सोचा कि आज मैं फोन करती। अरे बहुत अच्छा किया तुमने फोन किया, मैं बहुत मसरूफ थी बेटा, दरअसल वो आने वाले जुमे को वारिस का अकीका है ना। अरे तुम भी आ जाओ। क्या ही अच्छा हो कि मेरे पोते और नवासी की दोनों साथ साथ हो जाए। मम्मा आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। ये भी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, कनाडा है भी तो बहुत दूर, ये बेटियों की शादियां ना बाहर नहीं करनी चाहिए, आंखें तरस जाती हैं उनकी शक्ल देखने को। अब जोया को देख लो ना, हर हफ्ते अपनी माँ के यहाँ चक्कर लगाती है। वैसे अम्मी जोया की हिम्मत को दाद देनी चाहिए, आपकी मोहब्बत को पाने के लिए वो अपनी सौतन खुद ही ले आई, लेकिन आपने उसे कभी भी दिल से बहू नहीं माना। मेरे मानने न मानने से क्या होता है, अशर के दिल में तो आज भी वही है, और ऐसे में मुझे तो हीरा का ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। अच्छा मामा आप ऐसा क्यों नहीं करती कि कनाडा का चक्कर लगा लें, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और आपको चेंज भी मिल जाएगा, आखिर हीरा की माँ भी तो हीरा के साथ ही रहती है ना। अरे उन्हें तो मैंने ही यहाँ रुकने को कहा है, हीरा का दिल भी तो नहीं लगता ना उनके बगैर। मामा मैं ये तो नहीं कह रही आपको कि आप हमेशा के लिए मेरे घर पर आ जाए, माएँ बेटियों से मिलने के लिए भी तो आती हैं ना। चलो ठीक है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कनाडा आने की, फिक्र ना करो। चलें अच्छा अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। नूरी नूरी अरे कहाँ रह गई नूरी? जी बेगम साहबा। वो हीरा घर आ गई है वापस? हाँ जी वो तो आ गई है। कहाँ है? अपने कमरे में। चलो ठीक है मैं लॉन में जा रही हूँ, मेरी चाय वहीं ले आना और हीरा से कहो वो भी वहीं आ जाए। जी बेगम साहबा। पापा जल्दी से खाला को फोन करें ना, मैं उनसे बात करूंगी। अच्छा भाई करते हैं, खाला को फोन करते हैं। आ।
फरीद साहब का नंबर इतना बिजी जा रहा है। कौन फोन कर रहा है, उठा लो ना, सुन लो। अम्मी अननोन नंबर है, मैं नहीं उठा रही। तो बेटा अननोन नंबर उठा लिया करो, बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई अपना होता है किसी और नंबर से फोन कर रहा होता है, अपने फोन की बैटरी डाउन हो जाती है। उठाओ बाबा है तो। जी सही कह रही हैं आप। क्या हुआ बाबा? बिजी जा रहा है फोन अभी। तो दोबारा कॉल करे ना। अच्छा भाई दोबारा करते हैं। हेलो। हेलो हाँ हिरा, फरीद बात कर रहा हूँ। जी रॉन्ग नंबर। क्या हुआ? मैंने कहा था ना अम्मी रॉन्ग नंबर है, ऐसे ही बस तंग करते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम हंसते हो हैं? बहुत हंसी आती। अरे भाई क्या हुआ बाबा, खाना ने बात नहीं की? अलीजे मुझे लगता है कि आपकी खाला मुझसे कुछ नाराज है। बेगम साहबा, आपसे एक बात करनी है। बोलो क्या बात है? ना गांव से मेरी अम्मा का फोन आया था, उनकी तबीयत बड़ी खराब है। क्या हुआ है उनको? उनकी ना नजर कमजोर हो गई है, कम दिखाई देता है। अच्छा तो नजर कमजोर हो गई है, डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर? लेकिन गांव में ना कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ बुला लो। बेगम साहबा, शहर में मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानती, पता नहीं कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। इन चार डॉक्टरों को मैं जानती हूँ, मैं ले जाऊंगी। ठीक है बेगम साहबा, मैं उन्हें ना बुला लूंगी। ठीक है, ये चाय गरम करके ले आ। हेलो। हाँ फरीद, मैं सायरा बात कर रही हूँ। शुक्र है अम्मा आपने फोन तो किया। तुम्हें पता तो चला होगा कि आज हम तुम्हारे घर आए थे। जी जी मुझे पता चला, लेकिन आप कुछ देर रुक जाते, मुझसे मिलकर जाते। बेटा तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी बीवी ने आज हमारी कितनी बेइज्जती की है। तुम्हारे घर से निकलने के बाद तो हिरा मुझे हॉस्पिटल ले गई थी। तुम खुद सोचो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बीवी हमारी अलीजे का क्या हाल करती होगी। अगर तुम अलीजे को अपने साथ ले जाने की जिद ना करते तो शायद आज हमारी इतनी बेइज्जती नहीं होती। क्या कहा अम्मा को? कौन अम्मा? हमारे घर में तो कोई अम्मा काम नहीं करती। अलीजे की नानी की बात कर रहा हूँ। ओह उनकी बात कर रहे हो, मुझे क्या जरूरत है उनसे कुछ कहने की। तुमने अम्मा और हिरा के साथ बदतमीजी की है। रमशा तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि घर आए मेहमान से किस तरह बात की जाती है? माइंड योर लैंग्वेज फरीद, दूसरों की खातिर अपनी बीवी से इस लहजे में बात नहीं करते। दूसरे नहीं है वो, अलीजे की नानी है, मेरी माँ की जगह है वो। नानी है तो अपनी नवासी को अपने पास रखें, यहाँ क्यों रखा हुआ है? क्या उनके घर में कोई जगह नहीं है? उसे मैं यहाँ पर खुद लेकर आया था अपनी मर्जी से। क्यों लायो? यहाँ वही रहेगा जिसे मैं रखना चाहूंगी। कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपनी बेटी को अपने साथ भी नहीं रख सकता? नहीं रह सकती, वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ से ले जाओ उसे।
क्या करूं मैं इसका? हस्ती भी बहुत प्यारी लगती है, इसी तरह हस्ती मुस्कुराती रहती है। तुम मेरे साथ होते हो ना तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे लगता है जैसे जिंदगी की सबसे कीमती चीज मेरे पास। क्यों ऐसा क्या मैं? तो मेरी मोहब्बत हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी की इब्तदा भी हो और इंतहा भी। पता है मैं जब तुम्हें खोने के बारे में सोचती हूँ ना बस वही मर जाती हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था तुम क्या मुझसे इस कदर प्यार करती हो, उसके बावजूद मेरी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट दिया। मुझे अपनी उस गलती का एहसास बहुत पहले हो गया था अर्शद। तुमने ठीक कहा था कि मैं बहुत पछताऊंगी। चलो अब इस बात पे पछताने की जरूरत नहीं है, तुमने जो कुछ किया ठीक है। मतलब तुम्हें हीरा से मोहब्बत तो नहीं हो गई ना? मेरी मोहब्बत भी तुम हो और मेरी चाहत, लेकिन लेकिन मेरा घर मुकम्मल करने वाली है। नहीं अशोक, तुम्हारा घर हीरा ने मुकम्मल नहीं किया। मैंने हर पल हर घड़ी अपनी जात की नफी की, अम्मी की ज्यादतियों को सहा, बहुत जहर पिया है मैंने, हीरा को हर मुमकिन खुश रखने की कोशिश की है कि कहीं वो तुम्हें छोड़ के ना चली जाए, कहीं हम वारिस से महरूम ना हो जाए। तुम्हारा घर हीरा ने मुकम्मल नहीं किया है। ये काम और करो, खाना खा लो। अलीजे, 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 क्या किया तुमने इसको? मैं ऊपर जा रही थी, मुझे टकरा के गिर गई। झूठ बोल रही हो तुम, धक्का दिया तुमने इसे। अलीजे, मैंने इसे धक्का नहीं दिया। तुम दोनों लड़ना बंद करो, उठाओ इसे लेके हॉस्पिटल चलो। अलीजे, बाबा मैं गाड़ी निकलवाता हूँ। अलीजे, 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 अलीजे बेटा, अलीजे, 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 अलीजे।